नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव और मैं हूं आपके साथ सुमन मिश्रा। आइए नजर डालते हैं स्पीड न्यूज पर, जानते हैं बंगाल की खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राजभवन में लगाए 71 पेड़, पर्यावरण रक्षा का दिया संदेश। तेजला के तपस्या रोड में रहस्यमय तरीके से महिला झुलसी, पुलिस कर रही है पति से पूछताछ। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल को WHO से मिला विशेष सूचना केंद्र का दर्जा। सीएम ममता का महिलाओं का दुर्गा पूजा का तोहफा, पूजा से पहले मिलने लगेगा लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ। भवानीपुर में उपचुनाव को लेकर CRPF की महिला वाहिनी ने किया रूट मार्च। भवानीपुर में ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी। सोनारपुर में कुत्ते की हत्या के आरोप में युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झुलसे मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप, कैनिक महकमा अस्पताल में तोड़फोड़। मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक और बच्चे की मौत, स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों की टीम पहुंची। दुर्गा पूजा से पहले SBI ने होम लोन पर ब्याज दर घटाई। पातीपुकुर अंडर बाईपास के पास हाई बार टूटा, ट्रैफिक जाम से परेशान लोग। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ खबरों पर। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर रिकॉर्ड वैक्सीन, 20 दिनों तक राष्ट्र सेवा करेगी भाजपा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर अमेठी में होगा दंगल, भोपाल में कटा 71 फीट का केक। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, ट्वीट कर कहा हैप्पी बर्थडे। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 34,403 नए मामले, महाराष्ट्र और कर्नाटक में कोरोना का सबसे ज्यादा बड़ा संक्रमण। बिहार में वायरल बुखार का कहर जारी, NMCH में एक और बच्चे की गई जान, 75 मरीज भर्ती। यात्रियों की सुविधा के लिए पटना इस्लामपुर पटना झांझा सहित 12 जोड़ी मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का 19 सितंबर से होगा परिचालन। पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने पर होगी चर्चा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की आज होगी बैठक। कृषि कानून के एक साल पूरे होने पर किसान कर रहे हैं प्रदर्शन। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार ने महिला मामलों के मंत्रालय पर महिला कर्मचारियों को ही जाने से रोका, सिर्फ पुरुषों को काम करने की मिली इजाजत। शेयर बाजार ने बनाया नया रिकॉर्ड, शुक्रवार को BSE सेंसेक्स 268 अंकों की तेजी के साथ 59,409.98 पर खुला। अब तक के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत मित्र लाइव।